आई एम खतीब सुमैया परवीन रफीउद्दीन. इन नीट आई गॉट 607 मार्क्स एंड बाई इन बायो आई गॉट 310 मार्क्स. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा. थैंक यू सर. बेटा टेंथ में तुमको कितना परसेंटेज था? 74%. वाओ, यानी टेंथ में 74% रहने के बाद तुमने नीट में 607 स्कोर हासिल किया. ओके, और टेंथ कहाँ से हुआ था तुम्हारा? विलासराव देशमुख जिंतूर. जिंतूर से हुआ था? यस. बेटा इसके पहले भी हमारे पास एक बच्ची थी बुशरा माही, उनका स्कोर था 91% और वो भी विलासराव देशमुख से थी और उन्होंने नीट में स्कोर लाया था 640. अभी तुम्हारी एक सहेली थी निदा फिरदौस, निदा फिरदौस, उनका परसेंटेज था 85 और उन्होंने भी स्कोर लाया 622. यस, बहुत बढ़िया. ओके बेटा, अभी तुमको टेंथ में 74% रहने के बाद भी तुमने नीट में 607 स्कोर लाया, ये कैसे पॉसिबल? सर मेहनत, आपका मोटिवेशन. हम जब यहाँ पर आए थे तो हमको उतना नहीं आता था, बायो कुछ नहीं था हमारा, सिर्फ फिजिक्स था फ्रेशर्स में. हम रिपीटर्स में आए आपके पास, आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किए पढ़ाए, तो हमारा बायो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, तो इसलिए. और मेहनत किए, पेरेंट्स ने सपोर्ट किए, इसलिए हो गया. तुमको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे 74% है और मैं कैसे नीट में लगूंगा? नहीं सर, कभी, मतलब हमारे भाई भी टीचर है तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किए. उन्होंने बोले मतलब परसेंटेज से किसी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो स्कोर है वो अपनी मेहनत पे जमता. अगर कोई मतलब 90% भी लाए उन्होंने मेहनत नहीं करे तो उनका नहीं होगा, अगर कोई 50% भी लाए और उन्होंने मेहनत किए तो उनका हो जाएगा, तो परसेंटेज डजंट मैटर. यस, अभी मुझे लगता है कि इंडिया में फर्स्ट केस होगा कि जिसको 74% है और नीट में कितना स्कोर है? 607. ये समाज के लिए, ये समाज के लिए बड़ी बात है, समाज के लिए ये मोटिवेशन है. अभी जो बच्चे नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, उनके वो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे तुम? अच्छे से कीजिए, अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन मानिए, अपने पेरेंट्स की कुर्बानियों को ध्यान में रखिए, सेक्रीफाइसेस को, और मेहनत कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह. और इसको डजंट मैटर, मतलब पर टेंथ का परसेंटेज इतना है तो हमसे नहीं होगा, ऐसा ये गलत है. कितना भी हो, जितनी मेहनत करे उतना स्कोर आ